हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। इससे पहली वाली वीडियो में जहां हम आपको बैराटखाई तक लाए थे, वहीं इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे नागथाट और यहां के प्राकृतिक सुंदर नज़ारों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बैराटखाई से थोड़ा आगे निकलते ही एक रोड सीधा नागथाट के लिए आता है। हालांकि बैराटखाई मार्केट के पास ही एक रोड लेफ्ट की ओर चकराता के लिए भी निकलता है, लेकिन आपको सीधा आना है और देवदार के जंगलों के बीच से होते हुए ये रास्ता आपको सीधा नागथाट ले आएगा। यहाँ के लिए कोई बस नहीं चलती है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो कोशिश यही रखें कि अपने व्हीकल से ही आएँ, वरना आप विकास नगर तक आके वहां से गाड़ी बुकिंग पर भी ला सकते हैं। फिर हम पहुंचते हैं नागथाट। यहां से मसूरी, लखवाड़, उत्तरकाशी के लिए भी जाया जा सकता है। गर्मियों में भी मौसम यहां पर ठंडा रहता है, तो गर्मियों के लिए तो ये जगह मस्ट विजिट है ही। आप सर्दियों में भी स्नोफॉल का मज़ा लेने यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ नागथाट के मुख्य बाजार में श्री केदार सिंह जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे और इसी क्षेत्र के हैं। जो आप ये काफ़ी सारे घर देख रहे हैं, यही नागथाट है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ से कितना आगे आ चुके हैं। वैसे हमें इसी पहाड़ के टॉप पे जाना है, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ एक गांव में जाएंगे, क्योंकि मेरा दोस्त जो मेरे साथ ही है, उसी का ये गाँव है और हमारा रात का स्टे भी उसी के घर पर है। गाँव में पहुंचने के बाद यहां पे छत से आसपास का व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जौनसार क्षेत्र में समय के साथ लोगों ने अब पक्के मकान बना लिए हैं, जिससे पहले के समय के ट्रेडिशनल देवदार की लकड़ी के घर कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस धरोहर को अभी भी संभाल के रखा है, और आपको हर गाँव में एक या दो इस तरह के लकड़ी के मकान ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। दिन में गांव में लोग कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि युवा तो एजुकेशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ऐसे भी बाहर रहते हैं, और जो अपनी मेहनत से अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं वो अपनी अपनी जॉब पे हैं। मेरे दोस्त जिसके घर पे मैं आया हूँ, उसके मामा भी सेना और पुलिस में क्लास 1 के ऑफिसर हैं, जिनसे और भी युवा प्रेरित होते हैं। और बाकी जो गाँव में हैं वो खेती में व्यस्त रहते हैं और ज़्यादातर नकदी फसलों पर ध्यान देते हैं, और इसके साथ ही पशुपालन भी करते हैं। और फिर हम वापस नागथाट आ गए, क्योंकि यहाँ से हमें ट्रैक करके पहाड़ी के टॉप पे जाना है, जहाँ से हम चारों तरफ दूर दूर के नज़ारे आसानी से देख पाएँ। और जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आए, सच में चारों तरफ काफ़ी सुंदर व्यू दिखने लगे, और ये नीचे यमुना नदी दिखाई दे रही है। उसी के साथ जो रोड दिख रही है वो नौगांव, बड़कोट, उत्तरकाशी, यमुनोत्री आदि जगह के लिए जाएगी, और ये नागथाट वाला रास्ता भी उसमें ही जाके मिल जाता है। यहाँ से आप मसूरी भी जा सकते हैं,
मसूरी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है और बरसात की वजह से चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ भी धुले धुले से लग रहे हैं, जिससे ये जगह और भी मनमोहक हो गई है। आप भी यहाँ आएं और इस एटमॉस्फेयर को स्वयं महसूस करें। रुकने के लिए होटल और कुछ गेस्ट हाउस वगैरह नागथात में आपको मिल जाएंगे। खाना खाने के कुछ शॉप्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी ऐसी भी नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे स्टे नहीं मिलता है, तो यहाँ आप आसपास के कुछ गांव में भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही आपको नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।